एवरीवन, आई एम कनिका और आज हम बात करेंगे चैप्टर 21 ऑफ डेफिमेशन सेक्शन 499. तो इंग्रेडिएंट्स आर द मेकिंग और पब्लिशिंग एनी इम्प्यूटेशन कंसर्निंग एनी पर्सन. सेकेंडली, सच इम्प्यूटेशन मस्ट हैव बीन मेड बाय वर्ड्स साइंस विजुअल रिप्रेजेंटेशन. सच इम्प्यूटेशन वॉज मेड विद इंटेंशन, इंटेंशन वर्ड आ गया, of harming or with knowledge to reason to believe that it will harm the reputation of the person concerning to whom it is made. Means ऐसी कोई imputation बनाई गई या publish की गई किसी इंसान को मद्देनज़र रखते हुए कि हाँ इसी को हमें target करना है, ठीक है, और वो by words होनी चाहिए, spoken or intended to read, वही बात है, slander हो या फिर libel हो और या फिर sign जैसे किसी इंसान की तरफ इशारा कर दिया, और विजुअल रिप्रेजेंटेशन कोई रिप्रेजेंटेशन कोई प्रेजेंटेशन बना दी उसके लिए, और वो इंटेंशन है हमारी कि हम उसको हार्म करेंगे और हमें नॉलेज भी है कि हाँ वो इंसान हार्म हो जाएगा. एवरी पर्सन हु इज़ एंगेज इन कंपोजिंग डिक्टेटिंग राइटिंग और इन एनी कंट्रीब्यूशन टू मेकिंग अ लेबल इज द मेकर ऑफ लेबल. J.D. दीक्षित 1894 19 बॉम्बे 703 ये केस नंबर है इसका. मींस जो इंसान वो कोई भी इंसान जो कंपोज डिक्टेट या राइटिंग में कंट्रीब्यूट करेगा उसमें भागीदार होगा तो वो भी इक्वल ऑफेंडर है उसका. पब्लिकेशन ऑफ डेफिमेटरी मैटर इज एसेंशियल मैटर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू सम पर्सन अदर देन द पर्सन टू हुम इट कंसर्न दैट इज डिक्टेटिंग अ लेटर टू क्लर्क इज द पब्लिकेशन. वी इलात वर्सेस के केशवान 1900 आई वीर 579 मीन्स ये ज़रूरी है बहुत कि जिस इंसान के लिए आप बना रहे हो उसके अलावा उसको कोई और देखे. अगर आप बंद कमरे में दो लोग एक दूसरे को गाली देते रहे या कुछ भी बोलते रहे वो डेफिमेशन नहीं है जब तक उसे कोई तीसरा इंसान सुन ना ले. सदाशिव आत्मराम टी है, सदाशिव आत्मराम 1893 18 बॉम्बे 205 वेयर द डेफिमेटरी मैटर इज कम्युनिकेटेड टू पर्सन डिफेम्ड सच अ कम्युनिकेशन विल नॉट अमाउंट टू पब्लिकेशन. वही बात है कि जब उसी इंसान ने सिर्फ पढ़ा उसको तो वो डेफिमेशन थोड़ी हो गई. सेकेंड केस, नेक्स्ट केस इज सुखदेव 1932-55 अलाहाबाद आई LLL 253 वेयर द प्रेजिडेंट ऑफ द म्यूनसिपल कमिटी विच वॉज रीड बाय द मेम्बर ऑफ द कमिटी हैड देयर वॉज अ सफिशेंट पब्लिकेशन. मीन्स ऐसा कोई मैटर था, ऐसे कोई इम्प्यूटेशन था जो कि इसकी कमेटी ने पढ़ लिया, प्रेसिडेंट ऑफ म्यूनसिपल के कमेटी ने पढ़ लिया, तो ऑब्वियसली बात है उसके सामने तो उसकी रेपुटेशन भी बहुत थी. तो अब इन लोगों ने जो पढ़ लिया उसकी रेपुटेशन को हार्म हो गया और ये सफिशिएंट पब्लिकेशन माना गया. इफ़ आर डेफिमेटरी लेटर इज अगेंस्ट वाइफ इज टू हस्बैंड और वाइस वर्सा सच कम्युनिकेशन विल कंस्टिट्यूट पब्लिकेशन. वैनमन वर्सेज एश, जब पत्नी के लिए कोई डेफिमेशन उसके पति को भेजा जाए या फिर पति के का कोई डेफिमेशन उसकी पत्नी को भेजा जाए तो डेफिमेशन का पब्लिकेशन मान लिया जाएगा. बट अटरिंग ऑफ लिबेल बाय द हस्बैंड टू हिज वाइफ एंड वाइस वर्सा वुड नॉट कंस्टिट्यूट पब्लिकेशन बिकॉज दे आर रिगार्डेड एज वन इन द आई ऑफ लॉ. वैनमार्क वर्सेज मॉर्गन का केस है, पति पत्नी को एक ही माना गया है इन द आई ऑफ लॉ, कानून की नज़रों में वो दोनों एक हैं और वो एक दूसरे की कितनी भी डेफिमेशन करें इट डजेंट मैटर. सेल ऑफ ईच ऑफ द कॉपी ऑफ द प्रिंटेड लेबल इज अ डिस्टिंक्ट पब्लिकेशन ऑफ अ फ्रेश ऑफेंस हैंस द अक्यूज्ड विल बी पनिश्ड फॉर द पनिशिंग सेवरल फॉर पब्लिशिंग सेवरल कॉपीज. पंडित मोखन राम, जितनी बार वो उसकी कॉपी बेचेगा वो उतनी बार और ऑफेंस कर रहा है, उसका ऑफेंस उतनी ही बार गिनती में आ जाएगा, ठीक है. द कोर्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कैरेक्टर एंड द रेपुटेशन. चलो कोर्ट ने इसमें डिफ्रेंशिएट भी कर दिया कि चलो कैरेक्टर क्या चीज़ है, रेपुटेशन क्या चीज़ है. रेपुटेशन वॉट इज जनरली सेड एंड बिलीव अबाउट द पर्सन और थिंग वॉट ही इज़
the character, fortitude, moral constitution or strength of a person, what a person actually is. जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे सामने मुकेश अम्बानी, तो हमें उनके रेप्यूटेशन का पता है ना, वो एक्चुअली स्टैंड कहाँ कर रहे हैं, वो एक्चुअली में है क्या इंसान, ठीक है, बट हमें उनका कैरेक्टर नहीं पता ना, वो एक्चुअली में कैसे है, उनका मोरल कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, वो उनके कैरेक्टर के बारे में हमें नहीं पता. हमें पता है वॉट ही इज़, बट हमें ये नहीं पता वॉट अ पर्सन एक्चुअली इज. Imputation concerning a person, imputation of any person may be conveyed obliquely or indirectly or by the way of question, conjecture and exclamation or by irony. Means indirectly भी उसको हो सकता है. ये आरहोल्ड के आरहोल्ड 35th edition ने इसको define किया था. It is necessary that the word should contain imputation concerning some specific person, individual or a class of individual. एक person को target करे, individual है ही वो, और a class of individual means जैसे किसी के धर्म की बेइज्जती कर दी तो वो class of people हो गया ना, या फिर किसी की company है जैसे, तो उसमें जितने भी workers हैं उन सभी को वो target हो गया, या फिर प्रोफेशन को ले लीजिए, जैसे वकीलों के ऊपर कुछ बोल दिया तो वो क्लास ऑफ इंडिविजुअल हो गया. इन द एम पी नारायण पिल्लई वर्सेज एम पी चाको, इट वॉज हेल्ड दैट वेयर द आर्टिकल पब्लिश इन मैनी पार्ट सम ऑफ द डेफिमेटरी एंड अदर्स आर नॉट, इफ द डेप्यूटिव पार्ट कैन बी रिमूव्ड बाय द पार्ट्स कंस्टिट्यूटेड, नो डेफिमेशन कैन बी चूजिंग. मीन्स मान लीजिए थोड़ा सा पार्ट लिखा है हमने डेफिमेटरी, थोड़ा सा अच्छा लिख दिया लेबल में, ठीक है, तो ना इन दोनों के बीच में बैलेंस किया जाएगा कि कौन सा किसका पढ़ना ज़्यादा भारी है, कौन किसको ओवर रूल कर रहा है. मान लीजिए आपने दो बातें अच्छी लिखी हैं और पाँच बातें बुरी लिख दी हैं, तो वो डेफिमेटरी के केस में आ गया, पर आपने दो बातें डेफिमेटरी लिख दी और उसके ऊपर से 10 बातें आपने अच्छी लिख दी, वो डेफिमेशन के केस में नहीं आएगा. अब इसके एक्सप्लेनेशंस देख लेते हैं. द इम्प्यूटेशन एक्सप्लेनेशन वन, द इम्प्यूटेशन वुड हैव हर्ट द डिजीज रेप्यूटेशन, इट वुड ऑल्सो हैव हर्ट द फीलिंग ऑफ हिज फैमिली एंड रिलेटिव्स. मतलब जो डिजीज़ की रेप्यूटेशन को हार्म करे, या फिर उसकी फैमिली या फिर उसके रिलेटिव्स को हार्म करे. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई सोल्जर उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद लोगों से कहते हैं कि नहीं वो तो देशद्रोही था, तो ऐसे में उसकी रेपुटेशन को हार्म हुआ कितना. और अगर वो जिंदा नहीं है तो उसकी फैमिली को कितना हार्म हुआ. अ सूट वॉज ब्रॉट बाय द नियरेस्ट रिलेटिव ऑफ द डिजीज पर्सन अ डेफिमेटरी वर्ड्स अगेंस्ट द डिजीज बस द alleged to have the caused the damage in the plaintiff as a member of the same family. The court held that case was not maintainable. Lakshmi Ranji versus Harbans Narsi का केस है ये. इसमें ये हुआ था कि एक केस लाया गया किसी के रिलेटिव के द्वारा कि मेरे रिलेटिव को ऐसे बोल दिया गया और रेपुटेशन मेरी हार्म हो गई. भाई उसको बोला, कोर्ट ने कहा जब उसको बोला तेरी रेपुटेशन कैसे हार्म हो गई, अगर उसके बिहाफ पे केस लाया होता तो वो केस मेंटेनेबल था, बट कोर्ट ने कहा ये केस अब मेंटेनेबल नहीं है, तुम्हारी कहाँ से डेफिमेशन हो गई भाई. एक्सप्लेनेशन टू, एन एक्शन फॉर द लिबल विल लाई एट द सूट एंड द इनकॉर्पोरेटेड ट्रेडिंग कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ द डेफिमेशन टू इंज्योर इट्स रेपुटेशन इन द वे ऑफ बिजनेस. किसी ट्रेडिंग कंपनी को टारगेट करना या फिर उसकी रेपुटेशन उसके बिजनेस जैसे ठप हो जाना, तो एस एच कोल कंपनी वर्सेस एन ई एच एसोसिएशन. एक्सप्लेनेशन थ्री, अ स्टेटमेंट इनोसेंट इन फॉर्म और इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव विल अमाउंट टू डेफिमेशन एट इज आयरनिकली. मीन्स इनोसेंट वे में करना, बट इंटेंशन वॉज टू डेफिमेट. इम्प्यूटेशन ऑन द मेन्स कैरेक्टर मेड इन द लोअर हिम इन द एस्टिमेट ऑफ अदर एंड नॉट ऑफ हिमसेल्फ. अमर सिंह का केस है. मीन्स इसमें एक केस आया था जिसमें कहा गया था एक बिजनेसमैन था, लेदर का व्यापारी था, वो पार्टिसिपेटेड इन द
फंक्शन सोशल फंक्शन में उसने पार्टिसिपेट किया और वो खाना खा रहा था, टेकिंग ही वॉज टेकिंग मील एंड सर्टेनली लोअर्स द मोरल कैरेक्टर ऑफ द पर्सन. मीन्स वो उसी टाइम किसी ने कह दिया कि ही इज़ द बिजनेस मैन ऑफ लेदर, और उस टाइम पे मतलब पहले के टाइम पे लेदर के व्यापारी को अच्छा नहीं माना जाता था, तो उसकी रेपुटेशन को बहुत ज़्यादा हार्म हो गया और जितने लोग वहाँ पे बैठे थे उनके सामने उसे बहुत ही नीचा देखना पड़ा. तो ये पोखाई वर्सेस दीना का केस है. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप केस को पूरे साइटेशन वगैरह सब कुछ याद करके जाएं. अगर आपको केस नहीं भी याद रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इलस्ट्रेशन के तौर पे भी पेस्ट कर सकते हैं. या फिर आपको केस का नाम याद नहीं है तो सिंपली एक केस वर्ड लिख दीजिए और उसके आगे ये केस लिख दीजिए, बस इससे थोड़ा इंप्रेशन अच्छा पड़ जाता है, इसलिए केस को याद करना अच्छी बात है. साइटेशन फिर भी आप रहने दीजिए.